हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट डिलाइट में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे झारखंड जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हम यहां पर बस वैसे ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिस तरह के क्वेश्चंस आपके पीछे के एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर जिन क्वेश्चंस के आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि प्रथम राज्यपाल, तो यहाँ पर जो भी हम बात करेंगे अभी ये सारे हम लोग झारखंड के संबंध में हम लोग बात करेंगे और जितने भी क्वेश्चन यहाँ हैं सब कुछ झारखंड के परिप्रेक्ष्य में है। तो देखिए, प्रथम राज्यपाल झारखंड के वो थे प्रभात कुमार। एसआई के एग्जाम में राज्यपाल से संबंधित और मुख्यमंत्री से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस बने थे। इस वीडियो के लास्ट में हमने अभी तक के जितने राज्यपाल हुए हैं झारखंड में और जितने मुख्यमंत्री हुए हैं उन सारे के लिस्ट हमने लास्ट में इस वीडियो के दिया हुआ है, आप वहाँ से इसको नोट डाउन कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो प्रथम राज्यपाल जो थे झारखंड के वो थे प्रभात कुमार। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष ये थे इंदर सिंह नामधारी जो थे वो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे झारखंड के। और प्रथम मुख्यमंत्री जो थे झारखंड के वो थे बाबूलाल मरांडी। प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे, वो थे मधु कोरा। अभी तक बस एक मुख्यमंत्री बने हैं झारखंड में जो निर्दलीय बने हैं, वो मात्र मधु कोरा थे। और प्रथम विश्वविद्यालय झारखंड का वो था रांची विश्वविद्यालय, ये रांची में है। देखते हैं आगे क्वेश्चन है रांची। तो ये जितने शहर हैं वो किस नदी के किनारे बसे हैं ये यहाँ पर बताया गया है। तो रांची जो है वो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा हुआ है और जमशेदपुर जो है वो स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पर स्थित है। रामगढ़ जो है वो दामोदर नदी के किनारे स्थित है। धनबाद जो है वो भी दामोदर नदी के किनारे बसा हुआ है। और देखिए, स्वतंत्र रूप से समुद्र में गिरने वाली नदी, ये एकमात्र ऐसी नदी है झारखंड की जो स्वतंत्र रूप से समुद्र में गिरती है, वो है स्वर्णरेखा नदी। चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके, स्वतंत्र रूप से समुद्र में गिरने वाली नदी स्वर्णरेखा नदी, ये झारखंड के एसआई के एग्जाम में पूछा गया था। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन है हमारा, झारखंड में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो नेतरहाट में होती है। दामोदर नदी निकलती है, तो दामोदर नदी निकलती है छोटे नागपुर के पठार से। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था नदी के ऊपर, उसमें सभी नदी के बारे में बिल्कुल डिटेल्स में बताया गया है, आप वहां से इसको देख सकते हैं पूरे डिटेल्स में कि कौन सी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, वो किस किस क्षेत्र से होकर निकलती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, मयूराक्षी नदी निकलती है वो त्रिकूट पहाड़ी से, ये देवघर में है। ब्राह्मणी नदी निकलती है दुधवा पहाड़ी दुमका से। मैथन बांध बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया था एसआई के क्वेश्चन में। मैथन बांध का निर्माण बराकर नदी पर हुआ है, आप इसे याद कर लीजिएगा, मैथन बांध का निर्माण बराकर नदी के ऊपर हुआ है। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चंस। बंगाल का शोक, तो बंगाल का शोक जो कहा जाता है वो दामोदर नदी को कहा जाता है। और अगर बात करें सबसे गर्म जलकुंड की, तो ये सूर्यकुंड है, ये हजारीबाग में है और ये झारखंड ही नहीं पूरे भारत का सबसे गर्म जलकुंड है। अगर हम बात करें तो झारखंड का खजाना कहा जाता है छोटे नागपुर के पठार को कहा जाता है झारखंड का खजाना। और सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना जो है वो दामोदर नदी घाटी परियोजना है। यहाँ जितने भी हम लोग बात कर रहे हैं ये सब हम लोग झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चंस। देखिए, जमशेदपुर को इस्पात नगरी के नाम से भी जाना जाता है, जमशेदपुर को इस्पात नगरी के नाम से जाना जाता है। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ाघाग जलप्रपात है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ाघाग जलप्रपात, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है, हुंडरू जलप्रपात जो है वो स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। जलप्रपात से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे पिछले एग्जाम में जो भी हुए हैं, तो आप लोग जितने भी जलप्रपात हैं और जितने भी गर्म जलकुंड हैं और किस नदी के ऊपर कौन सा बांध है या फिर किस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, ये सब आप लोग बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा। इनसे 2 से 3 क्वेश्चंस बिल्कुल एकदम श्योर बनने ही हैं। दलमा अभयारण्य जो है वो पूर्वी सिंहभूमि में स्थित है, दलमा अभयारण्य पूर्वी सिंहभूमि में स्थित है। अगर हम बात करें बेतला राष्ट्रीय उद्यान का, तो ये लातेहार में है जो पलामू प्रमंडल में है। देखते हैं आगे क्वेश्चंस।
आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिए या फिर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप लोगों को बिल्कुल ये याद होने चाहिए। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चंस। पारसनाथ अभयारण्य ये गिरिडीह ज़िले में स्थित है। पारसनाथ जो अभयारण्य है ये गिरिडीह ज़िले में है। अगर हम बात करें पालकोट अभयारण्य का तो ये गुमला ज़िले में स्थित है। झारखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-33 है। NH-33 झारखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। प्रथम इस्पात कारखाना कहाँ लगा था? तो वो जमशेदपुर में लगा था। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चंस। चलिए यहाँ पर हमारा लिस्ट है, ये अभी तक जितने भी राज्यपाल बने हैं झारखंड में। तो देखिए पहले जो राज्यपाल बने थे वो थे प्रभात कुमार। प्रभात कुमार आप केवल ये नहीं सोचिए कि पहले याद है और लास्ट का, तो ऐसा नहीं। इसमें बीच से भी पूछा गया था कि तीसरे राज्यपाल कौन बने थे या फिर इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो आपको बिल्कुल ये याद होने चाहिए अभी कितने बने हैं अभी तक और सबके नाम आपको याद होने चाहिए। देखिए पहले थे प्रभात कुमार, उसके बाद थे विनोद चंद्र पांडे, एम रामा जोईस, वेद प्रकाश मारवा, सैयद सिबदेरजी, के शंकर नारायणन, MOH फारूक, सैयद अहमद और जो वर्तमान में है वो द्रौपदी मुर्मू हैं। ये 18 मई 2015 से लेके अभी तक हैं। तो ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इससे क्वेश्चंस बिल्कुल बनेंगे आपके एग्जाम में। इसके बाद अगर बात करें अभी तक के मुख्यमंत्री की, जो तो पहले मुख्यमंत्री थे वो थे बाबूलाल मरांडी, उसके बाद जो बने वो थे अर्जुन मुंडा, उसके बाद तीसरे नंबर पर बने थे शिबू सोरेन, उसके बाद फिर से बने थे अर्जुन मुंडा। तो कौन कितनी बार मुख्यमंत्री बना है आप ये भी याद रख लीजिएगा। और पहली बार राष्ट्रपति यहाँ पर पहली बार कब लगा था राष्ट्रपति शासन वो भी आप याद रखिएगा। वर्तमान में जो हैं वो रघुवर दास यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो ये राज्यपाल हो गया या फिर मुख्यमंत्री, इनसे क्वेश्चंस आपको एक से दो क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में। आपको ये लिस्ट बिल्कुल याद होना चाहिए और कौन कितनी बार बना है आप ये भी जरूर याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आगे कुछ क्वेश्चंस। बिरसा मुंडा बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सनालिटी हैं ये झारखंड के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं ये। तो बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 15 नवंबर 1875 को। 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ था, आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। अगर हम बात करें झूम का, तो झूम जो संबंधित है वो है पहाड़िया से, झूम संबंधित है पहाड़िया से। इसके बाद अगर बात करें किरिंग बापला, तो ये जो है वो संथाल आदिवासी से संबंधित है। किरिंग बापला संथाल आदिवासी से संबंधित है। देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। देखिए झारखंड में वन क्षेत्र का प्रतिशत इसके कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो झारखंड में जो वन क्षेत्र का प्रतिशत है वो इसके कुल क्षेत्रफल का 29.02% है। अगर हम बात करें झारखंड का सर्वाधिक गर्म जलकुंड जिसे सूर्यकुंड भी कहा जाता है वो कहाँ स्थित है? तो वो हजारीबाग में स्थित है, और सबसे गर्म जलकुंड है वो है सूर्यकुंड। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चंस। मैथन डैम कब एवं किस नदी पर बना? तो मैथन डैम जो है वो 1958 में बना था, 1958 में बना था, ये बराकर नदी पर बना था। अगर हम बात करें मलेर किससे संबंधित है, तो मलेर जो है वो सौरिया पहाड़िया से संबंधित है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए निम्न में कौन सा राज्य झारखंड का पड़ोसी नहीं है? तो अगर हम बात करें तो बिहार झारखंड का पड़ोसी राज्य है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, लेकिन मध्य प्रदेश झारखंड का पड़ोसी राज्य नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगर हम बात करें झारखंड के पड़ोसी राज्य का, तो देखिए उसमें है झारखंड के जो उत्तर में है, उत्तर में बिहार है, और अगर बात करें दक्षिण का, तो दक्षिण में उड़ीसा है, पूरब में पश्चिम बंगाल है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ है। तो इतने राज्य झारखंड को टच करते हैं, वो हैं बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार ये टच करते हैं झारखंड को। शंख नदी का उद्गम स्थल है, तो शंख नदी जो है वो गुमला से निकलती है। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चंस। झारखंड की साक्षरता दर, तो झारखंड की जो साक्षरता दर है वो है 67.63%। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस
जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, आप इन्हें ज़रूर याद कर लीजिएगा। और इसमें लगभग 40 से 50 क्वेश्चंस थे अभी तक, तो इस तरह के 4-5 वीडियोज़ बनाएंगे, आपके टोटल 400 से 500 क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। उसमें से आपको 10 से 12 क्वेश्चंस एग्ज़ाम में एकदम बिल्कुल श्योर देखने को ज़रूर मिलेंगे इसी वीडियो से। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए, और अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे हों तो मेरे चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।